आज मैं लेके आई हूँ चटपटी सी रेसिपी। और ये चटपटी सी रेसिपी है काले चने और आलू चाट। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार होते हैं और आपको बहुत पसंद आने वाला है। गौरव पायल रसोई में फिर से स्वागत है आपका। आज मैं बना रही हूँ चाट। ये चाट अलग ही है, काले चने और आलू से मैं चाट बना रही हूँ। पहले इसको टिक्की बनाएंगे। पहले मैंने 2 उबले हुए आलू लिया है, मैश करके रख लिया है। ये 50 ग्राम चना है, इसको मैंने 6-7 घंटे भिगो के उबाल के रख लिया है। इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, अभी आलू में भी नहीं डाला, इसमें भी नहीं डाला, ऐसे उबाल लिया था, 3-4 सीटी लगा लिया था। ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। और 1 कप दही लिया है मैंने, दही में थोड़ी सी चीनी डाल के बस फेंट लिया है। 1 छोटा सा टमाटर और 1 छोटा सा प्याज लिया है मैंने। और हरी चटनी, लाल चटनी मीठी वाली और हरी चटनी, ये लिया मैंने। और चाट में मसाला डालने के लिए ये काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर, ये भुना हुआ जीरा पाउडर, ये थोड़ा सा चाट मसाला लिया मैंने, ये सफ़ेद नमक। सबसे पहले बॉयल आलू और बॉयल चने से टिक्की बनाते हैं। मैंने 1 पतीला लिया है, इसमें चने को डाल देते हैं। आप चाहे तो मिक्सी से भी पीस सकते हैं दरदरा। इसको मैंने ये मैश करने वाले से मैश कर लेती हूँ। हो जाए तो बारीक नहीं करना। चने को हल्का ही मैश कर लेंगे। ये मैंने चने को दरदरा मैश कर लिया है, इसमें 1 भी दाना साबुत नहीं है, थोड़ा दरदरा ही है। और जब मैंने चने को बॉईल किया था उसके बाद मैंने छान लिया था, इसमें पानी बिल्कुल नहीं था, चने हमारे बिल्कुल ड्राई थे। अब इसमें आलू को डाल देते हैं। आलू को भी मैश करके रखा हुआ है। अब इसमें मसाले डालेंगे। पहले आलू और चने को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 हरी मिर्ची को डाल देते हैं स्पाइसी के लिए। और इसमें 2 चम्मच बारीक कटी हुई प्याज को भी डाल देते हैं, इससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। मैं प्याज ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ 2 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा मसाला ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा काला नमक और बिल्कुल थोड़ा सा स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक और 2 चुटकी लाल मिर्ची पाउडर। हमारा चाट चटपटा बनने वाला है। और थोड़ा सा चाट मसाला और मिर्ची आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, 1 डो की तरह तैयार कर लेंगे। अब इसमें कुरकुरापन देने के लिए मैं 1 चम्मच अरारोट डाल रही हूँ। आप चाहे तो चावल का आटा या फिर मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ये आटे की तरह तैयार हो गया, जिस तरह के रोटी बनाने के लिए आटा बनाते हैं उसी तरह से तैयार हुआ है। यदि आपसे ये ढीला बन जाता है या तो आप कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा डाल सकते हैं, इससे ढीलापन नहीं रहेगा। अब इसकी टिक्की बना लेते हैं। पहले हथेली पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और टिक्की का आकार दे देंगे। आपको जितनी बड़ी टिक्की बनाना है उसी तरह से बनाइए। आप चाहते हैं तो इसे पनीर भी डाल सकते हैं या फिर अंदर कोई फिलिंग डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। आप फिलिंग में मटर या फिर छोले ऐड कर सकते हैं। और ये टिक्की चाट बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इस तरह से बना लेंगे, बना के सभी को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। मैंने टिक्की बना के तैयार कर लिया है। अब टिक्की कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने लोहे का तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। आप चाहे तो पैन भी रख सकते हैं और आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं। मैं अब इसमें तेल डालती हूँ
तवे पे एक चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल को गरम कर लेंगे, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, मीडियम गरम। तेल हमारा मीडियम गरम हो गया है, अब इसमें एक एक करके टिक्की को डाल देते हैं। अब गैस का फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। टिक्की को धीरे धीरे से सेकने देंगे। अगर टिक्की को फुल फ्लेम पे सेकेंगे तो टिक्की कच्ची रह जाएगी अंदर से बाहर से, और टिक्की को आराम आराम से सिकने देंगे, और उसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो नीचे से थोड़ा सा सीख जाए, उसके बाद पलट लेंगे। टिक्की का नीचे से हल्का कलर चेंज हो गया है, अब इसे पलट लेते हैं। इस तरह से पलट लेंगे। अच्छा, टिक्की को कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। टिक्की हमारी अच्छी कुरकुरी बन गई है, अच्छे से सीख गई है। अब देख रहे हैं कितना क्रंची है बहुत। अब इस टिक्की को सिर्फ केचप से भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगेगी। ये टिक्की एकदम हेल्दी है, आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फिर से डालते हैं और सभी को इसी तरह से सेक के तैयार कर लेंगे। आप इस टिक्की को जरूर ट्राई करें। टिक्की हमारी सीख के तैयार हो गई है, अब चाट तैयार करते हैं। चाट तैयार करने के लिए एक बाउल ले लिया मैंने, अब इसमें टिक्की को डाल देते हैं। आप देख सकते हैं हमारी टिक्की एकदम क्रंची बनी है। अब इसको तोड़ के डाल देते हैं। अब टिक्की के ऊपर खट्टी मीठी दही डाल देते हैं। दही में मैंने सिर्फ चीनी डाली थी और इसमें नमक भी नहीं डाला है मैंने। अब इसे चटनी में डाल देते हैं खट्टी मीठी। थोड़ी सी हरी चटनी स्पाइसी, ये चटनी धनिया पुदीना से बनाई गई है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से उबले हुए आलू। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देते हैं और थोड़ा सा टमाटर, और इसके ऊपर ये काला चना ये भी डाल देते हैं, ये उबला हुआ चना है। अब इसमें थोड़ा मसाला डालते हैं स्वाद अनुसार, सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काला नमक, ये भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर। अब इसमें फिर से थोड़ी सी खट्टी मीठी दही डाल देते हैं। और थोड़ी सी चटनी, हरी चटनी भी डाल देते हैं थोड़ी सी, और ऊपर से नमकीन डाल देते हैं। बस हमारा चाट बनके तैयार हो गया है। आपको आलू और काले चने की टिक्की से चाट बनाने की रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।